शादी करते वक्त अग्नि के चारों ओर सात फेरे लेते हुए तो आपने कईयों को देखा होगा, लेकिन क्या मूर्ति के चारों ओर फेरे लेकर शादी करते देखा है? और मूर्ति भी किसी भगवान की नहीं बल्कि एक इंसान की। मध्य प्रदेश के सीहोर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक दलित जोड़े ने 4 जुलाई को अलग अंदाज में शादी की। इस जोड़े ने अग्नि के फेरे लेने की बजाय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने 7 फेरे लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। यह शानदार शादी सीहोर के मुर्दी क्षेत्र में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में सम्पन्न हुई। हुआ यूं कि इस क्षेत्र में रहने वाले पंकज जाटव और वैजंती को शादी करनी थी, लेकिन शादी में तमाम तरह के खर्चों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। आमतौर पर कम खर्चे में शादी के लिए लोग किसी मंदिर में जाकर फेरे लेते हैं, लेकिन पंकज अम्बेडकरवादी थे। उनके जीवन में बाबा साहब का प्रभाव था। ऐसे में पंकज ने किसी मंदिर में शादी करने की बजाय बाबा साहब की प्रतिमा के सामने शादी करने का फैसला किया। इस जोड़े ने बाबा साहब की प्रतिमा के सामने एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाई और उसी मूर्ति के फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की। इस शानदार शादी के साक्षी क्षेत्र के तमाम लोग बने। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को ही दलितों के भगवान मानकर उनकी मूर्ति के सामने हुई इस शादी को दलित समाज के लोगों ने प्रेरणा देने वाला बताया। इस अनोखी शादी में शामिल होने पूरे मोहल्ले के लोग आए। महिलाओं ने शादी के गीत गाए, दुल्हा दुल्हन को मिठाई खिलाई गई और शादी के बाद दोनों को विदाई दे दी गई। इस शादी में समाज के लोगों ने दुल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद दिया और उसे अनूठी पहल बताया। इस शादी की चर्चाएं जहां पूरे देश में हो रही हैं, वहीं जोड़े की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर किया जा रहा है और शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। बहुजन समाज के मसीहा कहे जाने वाले बाबा साहब के चारों ओर फेरे लगाकर शादी करने वाले इस जोड़े ने वास्तव में एक नई मिसाल कायम की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।